नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सृष्टि। और आइए अब रुख करते हैं खबरों की ओर। आज की बड़ी खबर मालकानगिरी से, जहां जिला मालकानगिरी ब्लॉक माटापाका ग्राम पंचायत के अंतर्गत कोटा मटेरू गांव के पास डालमिया सीमेंट कंपनी तैयार करने की एवज में माटापाका गांव के पास बहुत बड़े बैरियर्स लगाकर टाइट सिक्योरिटी के बीच जनसुनवाई के लिए एक बैठक अनुष्ठित हो गई है। लोगों की राय जानने के लिए एक प्रकार की बैठक आयोजित की गई है। आज माटापाका अंचल को पुलिस छावनियों में तब्दील कर दिया गया था। चारों तरफ पुलिस बल मुआयन किया गया था। इस प्रकार टाइट सिक्योरिटी के बीच इस प्रकार की जनसुनवाई बैठक आयोजित की गई, उसे भारतीय जनता पार्टी की जिला सभापति निमाई चंद्रपाल एवं भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष दशरथ पोड़ियामी ने घोर निंदा की है। इस प्रकार माटापाका ग्राम पंचायत की पूर्व सरपंच तथा भाजपा वरिष्ठ आदिवासी नेता विनायक चंद्र माडकामी, भाजपा आदिवासी नेता कीसा बांजामी, कोता मटेरू के नंदा माडकामी, दूसरे दो बुजुर्ग व्यक्तियों नंदीवाड़ा गाँव की ऊंगा कुंजामी ने बताया कि डालमिया कंपनी की तरफ से आश्वासन दिया है कि वह हमें कुछ संतोषजनक नहीं लग रहा है। उनका कहना है कि अगर इस अंचल में सीमेंट फैक्ट्री निर्माण हो गया है तो कम से कम 3 ग्राम पंचायत की 35 गांव उजड़ जाएंगे, जमीन बंजर हो जाएगी। उनका कहना है कि पहले कंपनी को जो भी कुछ आदिवासियों के जंगल जमीन के बदले देना चाहते हैं, पहले वह कुछ हमें प्रदान करे, उसके पश्चात हम आदिवासियों उस कंपनी को आरंभ करने देंगे, अन्यथा जान चली जाए, खून बहाने पड़ जाए, लेकिन हम अपने पूर्व पुरुषों की भीटा माटी जल जमीन जंगल कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। उनका यह भी कहना है कि जमीन हमारी माँ है, इस जमीन से विभिन्न प्रकार का फल फूल अमल होती है। इन जंगलों में बहुत से औषधीय वनस्पति मौजूद है, इसे हम नहीं छोड़ेंगे, यह कहना है आदिवासी नेता एवं बुद्धिजीवी का। आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं गोविंद मंडल, उड़ीसा हेड। इस समय हम पहुँचे थे कि माटापाका ग्राम पंचायत के अंतर्गत माटापाका गांव के पास, यहां पे डालमिया कंपनी सीमेंट का फैक्ट्री करने के एवज में यहां के जो 10-15 गांव के लोग विरोध कर रहे थे कि यहां के जो है पानी, जंगल, जातीय द्रव्य एवं स्वास्थ्य पोल्यूशन के लिए इन्होंने विरोध किया था। लेकिन उसके बावजूद डालमिया कंपनी जो यहाँ पे प्रशासन के बल से, जैसे पुलिस प्रशासन के बल से, देखिए किस प्रकार बैरिकेड लगाया गया, जहाँ बाहर से कोई व्यक्ति जो है अंदर ना प्रवेश कर पाए, इस प्रकार जो बैरिकेड लगा के यहाँ पे आज जनसुनवाई, लोगों के मत जानने के लिए यहाँ पे बैठक रखा गया था। तो यहाँ पे मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जो जिला अध्यक्ष एवं यहाँ के जो बीजेपी भाजपा का जो जिला सभापति, आइए उनसे रूबरू होते हैं, जो आदिवासी नेता एवं बीजेपी के जो पूर्व जिला अध्यक्ष उनसे रूबरू होते हैं। सर, जरा बताइएगा आज जैसे जिस प्रकार जो डालमिया कंपनी के जो सीमेंट के एवज में यहाँ पे जनसुनवाई, जो लोगों के राय जानने के लिए जो बैठक का आयोजन किया गया था, तो इसके एवज में आपका क्या कहना है? देखो, जनसुनवाई लोगों को आवृत कर फोर्स भर्ती कर संपूर्ण लोक कला खलम कला भाव में जनसुनवाई है, खाली घेराव कराई लोकं जमी जाऊँ, जमी बदल रे जमी पाँच कि ना, जंगल जमी बदल रे जंगल जमी पाँच कि ना, घर जाऊँ घर पाँच कि ना, ये सब क्लियरी होगा कथा। किंतु जा अनुमान करुच्ची ठीक ढंग से है, प्रशासनिक प्रेसर रही। कुछ लोगों का कहना है, सुनने में आया था कि जंगल जातीय द्रव्य जो जंगल से जो भी फल फूल जो संग्रह करके यहाँ के आदिवासी लोग अपने जीविका पालन करते थे, जीविका उपार्जन करते थे, लेकिन ये जो अगर पेड़ पौधे यहाँ से नष्ट हो जाएगा और यहाँ से यहाँ के जो गाँव वासियों को दूसरे जगह पे सेटलमेंट किया जाएगा, तो इसके एवज में आप क्या कहें? जंगल जातीय द्रव्य कहले लोक पूरा संपूर्ण भाव डिटेल्स शुणवाक देना, लोक पूरा आवृत कर रखिले, जंगल जातीय द्रव्य कौटू आणवे कमी आणव कौन हम, ये सब विषय कलम कला आलोचना हो पारा ना, ये सब विषय लोक संपूर्ण आलोचना कले ठीक होता ठीक होता। ये सुने थे भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व जिला अध्यक्ष उनके जुबानी
तो यहाँ पे मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के जो जिला सभापति हिमाचल चंद्र पाल जी, आइए उनसे रूबरू। सर जरा बताइए, इस प्रकार जो डालमिया कंपनी की तरफ से जिस प्रकार जो बैरिकेड लगा के यहाँ जन सुनानी से लोगों के राय जो जानने की कोशिश किया, तो इसके अवज में आपका क्या कहना? आज दिन भारतीय इतिहास गोटे कला दिन बोल कह शासन एवं प्रशासन जोर जबरदस्ती स्थानीय लोक कंठरोध कर हजार हजार फोर्स लगे इटि जनशुनानी डालमिया कंपनी माध्यम कर संपूर्ण गणतांत्रिक भारतीय जनता पार्टी यार संपूर्ण भाव में विरोध कर। आइए यहाँ पूछते हैं, जो यहाँ पे जो डालमिया कंपनी के तरफ से आज जनसुनानी जो लोगों के राय जानने के लिए यहाँ पे जो बैठक किया गया था, वहाँ पे एक भाई जो कोता मेट्रो गांव के है वो गए थे, आइए उनसे रूबरू होते, क्या बातचीत हुई यहाँ आप जरा बताइएगा क्या बातचीत हुई और आपके जो आदिवासियों के हित में क्या आदिवासियों के फेवर में क्या बातचीत उन्होंने किया था ये बताइए। ग्राम ना होते नांदा मणका में किंतु गाँ लोक मैंने किसी जमी जंगल किसी छाड़बू ना बोले सपोर्ट नहीं किसी जंगल जमी जदि नष्ट एमती जंगल जमी कौटे आम पाइपर ना बोले समस्ते कही जो आम सेम आम एक मत होलु कह समय आमको किसी एमती सेमती बेनिफिट पाइबू बोले कह आमे कहलु जे आगको आमको बेनिफिट दिंतु आगको देखा दिंतु तापर सीना आम कि जमीटा छाड़बू बोले आम से आलोचना देलु। कौन कथा पचार मत आई पचारु ना। हाँ तो ये सुने थे जो मौके पे जहाँ पे बैठक हुई थी डालमिया कंपनी की तरफ से जो बैठक किया गया था जहाँ जनसुनानी की हुई थी वहाँ पे जो ये भाई नंदा माड़कामी गए थे कोता मेट्रो गांव के, इनसे कुछ पूछा ही नहीं गया था लेकिन इनके तरफ से ये मांग किया गया था कि आप जो भी आप हमें जो आश्वासन दे रहा है कि नौकरी देंगे या जमीन के बदले जमीन वगैरह कुछ भी देंगे तो ये पहले देकर उसके बाद ही अब कंपनी यहाँ चालू की थी, इनके तरफ से ये मांग हुई थी। मैं ये हमार से फैक्ट्री विषय आलोचना है आमको ये आसला बेलू आमको भितर एंट्री करवाई देना आम पाने बहुत पाने बाहर रहीगल आई तीन टा पा भितर पसाई तांको किसी पचरापचरी ना कल अल्प टी कहले आमर जंगल जमी जमती कि आम जंगल जमी आम जिते आमर पीढ़ी पीढ़ी धरिक आम लोक ये अच्छा से लोक मैंने बर्तमान सिटी फैक्ट्री माइनिंग है मानने कौटी जीवे एत पर लोक कौटी बचे कौन खाइबे आशिक्षित लोक अच्छा किए सिग्नेचर मारी जाणिना से कौन चाकरी देवे से मैंने आउ लोक एमती तेलिया मारिकर कहते ना तुमको एटा देबु सिलाई ट्रेनिंग देबु ए दुनिया कथा कहते आम तुमको स्कूल कॉलेज हेब तुम मेडिकल कॉलेज हेब इंजीनियर कॉलेज हेब ए जंगल भितर मालकानगिरी यही ना ये जंगल भितर के मेडिकल कॉलेज करुच्ची के इंजीनियर कॉलेज कर देवे पर्यटन लोक एत वर्ष वर्ष धरिकर मालकानगिरी डिस्ट्रिक्ट आई कि एबे पर्यंत इंजीनियर कॉलेज देखा जाऊ ना मेडिकल कॉलेज में ठीक भाव में देखा जाऊ आम ए जंगल एरिया एत वर्ष धरिक रोचे एवं आम पाने डेवलप ना एबे पर्यंत टेन्थ पास करना पाने कौन ए माइनिंग फैक्ट्री काम करेंगे ए माल नहींकर अगर जगह नहींकर बिक्री करेंगे आम ये आम जमी नष्ट आमर आमको जगह दरकार प्रथम आमको रहा जगह दरकार आमको अधिक कम से दस एकर आमको दस एकर जमी आमको निहाती दरकार आमको जगह जगह सहित आमको घर पर सब कंपनी मत आमको डिमांडटा देवारापर जाए आम बिटा माटी छाड़बू ना कंपनी हाँपाई देव मरले मरबु जीवन देले देबु ए बिटा माटी आम के छाड़ पार मर जाऊंगा लेकिन ये जो अपनी जो पुरखों की जमीन या अपने जो माँ माटी जमीन को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, ये कहना है कि यहाँ के जो नंदीवाड़ा गांव के जो निवासी और उनके साथ कोता मेट्रो गांव के भी ये सुने थे हमने। इंजे मैं कारखानी डिगे दुखाए मुता डिग के मम पिल्ला बेद आता सुल्ला सुल्ला मिंदे फुटना पिल्ला फुटो मिंदे परेशान पिल्ला परेशान मिंदे डोलना माने डोलाई मिंदे
মা দাদির মনে কিত্ত কুতমেট কিত্ত মাকুস্ত ঋতুস্ত সব কি সিত্ত মনে কারখানি ডিগি তিনজোর বার বুম তোমার মাত কি কি না তিত্ত ইনি কিস মন মন বেদা তো মিচর কুটাকে তোম পেটকে তোম লোক কিত্ত গদা ইঞ্জ মাকিং পুরি তো মিজা কেতকি বে পুরি তো মাকিং মন বেনর কোম্পানি তরবা তোর মতি মন বিরকুলি ও মুতে পিলাও কি গাও কানা দেখতাম গোডলিনে ই তোম থেঙ্গনে ই তোম সেবিল কারি ইস মন জং পুরি তোম এক কোম্পানি বিরকুল ডিগ না দাইও আছে ভাই না দাইও তিন কাছে পয়সা কেতকে পয়সা কেন জং আছে বিরকুল মন কেন জম না করি তো নি কি না করি বড় কেন জম মমি গলে না টড়ি কি ওর পুরি পুরি তোম আছে গোডলিন থেঙ্গা তো কি তোম ই গোর লো পড়ি না দাইও পুলিশ ভাই না দাইও কোম্পানি ডিপ না দাইও কারখানা ডিপ না দাইও মিসিং ডিপ না দাইও মাকাছ গুরা লামিনদে মমুতলাম বুমলাম মম আছে মেন্ডাই তো কই গিদিপ মম মুন্ডে বেলে খামা কি তোমাল কেনে জঙ্গল তো রায় রট তিন নড় ওর বেগত কোম্পানি গবা তমতে মাগ ওয়াই না দাইও মম বেদা তম জঙ্গল তম মানে মুনে রায় রট তিন বাত তো মান ওর মানে কি গবত কে মুতে কিন চলা কি তম মম পের কে মন তম মুতে কিন গুডি নে সে পুড়ি পুড়ি কাহত কেতে তম লোক বিল কিনে বাড়ি তম ও দের কেন না মম ডক কেন না আচ্ছন তম মা ডিমক মিন্দে মাত বুম তুন কোড় বান মিটিং মান জড়িস গুর মে দলা সে মানির বা পিলা বেগ বেলে মান তম মম মমি ও মাইগা বিরকুল ওর কিন কো পেনা কাল কারি না মন কেতি তম ফরেস্ট তগন কেতি তোম হাই কোর্ট তক বড়ন কেতি তোম আসে মাম কে লমস জিবাই তো কোনি মাম বিরকুল ওর কি কি ও মিক বুম তক গড়ওয়া না দাই মোটল ডি পন দাই কোম্পানি ডি পন দাই কারখানা ডি পন দাই ওর কো চাই যুগ যুগ ইন পুরন দিকে বাত কি মেনে মাম মুতে পিলা কিনা ডাঙ্গা ডুডি বিল কাড়ি পয়স মান তোম বেরো কো নাও কি তো পিলা কিনা তাও কোন পার দি তো রে ভাই আদিং মামিন যে বিরকুলি ও মাইগা মামি সর মাই দি কি লিখে নেট কি নি কি কি কোন নে পুরি তোম নে নবর তোর কোনি জি মেনে মান্ডে 18 32 16 ವಾಯನ ತೀಡ ಮಂತೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಮ್ಮ ಸಜ್ಜುರಿ ಆಸ್ಮಂತ ಬಿಲ್ಕಾಡಿ ಪೋಯ್ಸ್ ನೋಡ್ ವಾಯನ ದಾಡರಿಲ್ಲ ನಿಮಾಕೆ ಬಂದ್ಕಿನ್ ಬೇನ ಕುಂಪಾನಿ ವಾತ ಮತ್ತೆ ವಾಸು ಹುಡುಗ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟ ವಾತ ಮತ್ತೆ ಮಮ್ಮ ಆಯ್ ಪುತ್ತಮ್ ಮಮ್ ಬೇರ ಕೊಡಿ ಯೂಸು ಮಾಡ್ತಮ್ ಡೋಕ್ ಡೋಲಿ ತಮ್ಮ ಈ ಸೊಪಿಲ್ಲ ಮುಂತ ಮಮ್ ಕೊನ್ ಮುನ್ನೆ ಮಾ ದಾದ ಬಾಪೆ ಇತ್ತ ಮಾಡ ಮುರ್ತಿ ಇತ್ತ ಮರ್ತ ಮಾಡ ದಿಗ್ ಮಂದನ್ ಮಾಡ್ತಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ತಿನಂಗ್ ಮಂದನ್ ಇವರು ತಿಕ್ಕು ಬೇಟ್ ಪಾಟ್ ತಗಲ್ಲ ನಾ ತಿನಿಂಜ ಮಾಕಿ ಕೊನ್ ಪೀಸಿ ಮಜಾ ಜೋ ಬಾಪಿರು ಇಂಜಿ ಬೇಗ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ವಾಯಿ ಅಂತ ಗಲ್ಲ ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ತಿಕ್ಕೋಲ್ ಟಿಕ್ಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಂತ ಚುನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿ ವಾಯಿ ಮಂತ ತಿಂಜು ಕತ್ತ ಮಂತ ನಮ್ಮ ಚುನ್ನ ಪೊರ ತಂಗ ಬಂದ ಬಿರ್ಕುಲಿವೋ ಪೈಸೆ ಪೋತರ್ ಕೆತ್ತೀವೋ ಮತ್ತ ಪುತ್ ಕೆತ್ತಿ ಮೇಲೆ ನೀರೋ ಮೈ ಮ ಭೂಮ್ ಭೂಮ್ ತನ ಭೂಮಿ ಗಾವ ಕೊನೆ ಈ ಸೊತ್ತು ಭೂಮಿ ತರಕ ಬೇಗ ಮಕ್ ಭೂಮಿ ಇಲ್ಲ ದೇಶ ಕೂಡ ಮಮ್ಮ ಹೇಳ್ತೋ ಕೂಡ ಮುಂತ ಮಗ್ ದರ್ಕಾರ ಮಕ್ಕಿದ್ದೆ ಭೂಮಿ ಗಾವಲ್ ಕೊನೆ ಬರ್ತದ ಮಕ್ಳು ಅದಯ್ಯೋ ವೆಚ್ಚ ಚಲಾವದ ಬೀಳ್ದೆ ವತ್ತಿ ಮೇಕ ಬಾತ್ ಆತದ ಕಿ ಮೇಕ ಕಿಸ್ ಮಿಸ್ ವಾಟಿತ ಮಾನೆ ವತ್ತಿ ಮಾನೆ ಕವ್ ಕಿತಮ್ ಪೊಲೀಸ್ ತಿಂಗ ಕಿತ ಓರ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅರಿ ಮಕ್ ಬರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಂದೇಡ यहाँ पे मौजूद है पूर्व जो है सरपंच एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता विनायक चंद्र माड़कामी जी उनसे रूबरू होते हैं। सर जरा बताइएगा आज जो डालमिया कंपनी के तरफ से जिस प्रकार जन सुनानी जो लोगों के राय जानने के लिए बैरिकेड के अंदर जो मीटिंग रखा गया था उसमें क्या बातचीत हुई और आपके तरफ से क्या मांग रहा और क्या विरोध रहा? ନା ହେଉଛି ବିନାୟକ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଡ଼କାମୀ ମାଟାପକା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଏକ ସରପଞ୍ଚ ମୁଁ ଏଇଠି ଢାଲମିଆ ଯେଉଁ ସିମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ହେବାର ଆଜି ଜଣଶୁଣାଣିରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ମାନେ ପକେଇବାଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ଯେଉଁ ଏରିଆ ଏଫେକ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି ସେ ଏରିଆର ଲୋକ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଦାଦି କାଳର ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଗୋଟେ କମାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ଜମି ସେ ଜମି ଆମକୁ ଯେଉଁ କିସମର ଜମି ଯାଉଛି ସେଇ କିସମର ଆମକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପ୍ରଶାସନ ଆମକୁ ସେଟଲମେଣ୍ଟ କରିକିରି ଆମକୁ ଦେଖାଇ ଦେବା ଦରକାର ଆଉ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ମାନେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଯେତିକି ଆମେ ଫଳମୂଳ ଯେତିକି ସଂଗ୍ରହ କରି ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲୁ ସେ ଜିନିଷ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଦେବା ଦରକାର ତାହେଲେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ହେବ ନହେଲେ ଆମେ ରକ୍ତ ଦେବୁ ପଚି ସିନା ଏଇ ଭିଟା ମାଟି ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ମାନେ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର ଲୋକ ମତ ନେଇଛନ୍ତି। ହଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଇଏ ଶୁଣେତେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ जो मटापाका ग्राम पंचायत के सरपंच एवं वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के भी जिला कैंडिडेट रह चुके हैं, जिला परिषद कैंडिडेट रह चुके हैं, उनके जुबानी इन्होंने भी बताया कि खून दे देंगे माँ माटी जमीन के लिए, खून रक्त दे देंगे लेकिन जमीन नहीं छोड़ेंगे। और इनका मांग रहा पूरे इस अंचल के जो इनके पंचायत के तरफ से सारे लोगों के मांग इनके जुबानी हमने सुने थे कि इन्होंने भी बताया कि जमीन के बदले में जमीन, जैसे जमीन लोगों के पास जिसके पास जैसे जमीन है उसके अवध में वैसे ही जमीन चाहिए। और उसके बावजूद भी इनके तरफ से ये भी कहा गया कि लोगों को मतलब जो भी आश्वासन कंपनी के तरफ से डालमिया कंपनी के तरफ से दे रहे वो पूरे करना चाहिए।
ग्राम पंचायत के अंतर्गत तो पंचायत भवन के बिल्कुल नजदीक है और भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता केशव अंजामी उनके जुबान और आइए उनसे पूछते, उनसे रूबरू होते हैं, आइए उनसे पूछते हैं। सर जरा बताइएगा, डालमिया कंपनी ने जिस प्रकार आज बैरिकेड के अंदर जो लोगों का कहना है, बैरिकेड के अंदर जिस प्रकार सिक्योरिटी लगा के और मतलब चुने हुए व्यक्ति को अंदर जाने दिया था, उसके वो भी आइडेंटिफाई करके अंदर जाने दिया था जो बैठक हुई थी उसमें, तो इस बैठक में क्या चर्चा हुई है और आपके आप लोगों के जो आदिवासियों के व्यवहार में क्या बात हुई है ये आप सर बताएंगे। सर आज जनशुनानी जमा करमर यही अंचल लोक मतामत नहीं चाहिए এই গছ এই জঙ্গল এই পশু জন্তু মানে আমি ছাড়বু নাই ছাড়বু নাই কিন্তু আমার দাদি দাদি মানে কমাইছন্তি জমি মানে আমি কাকু দেবু নাই আউ কাকু এটি পুকুরাই পাই দেবু নাই কোম্পানি করা পাই দেবু নাই বলি সব মত নাইছন্তি আউ সব লোক এতে এমতি মত নাইছন্তি আমি জঙ্গল তাইকি বহুত বেনিফিট পাউছি বড় মড় এই জঙ্গল এমতি জাড়িবুটি মেডিসিন এই জঙ্গল জন্তু দেখি পারছু হয়ে পারছু তারপরে এই জঙ্গল তাইকি আমি যে এবে বিশ্বরে যে দেখলে অছি করোনা মহামারী করোনা বলে অছি আমি জঙ্গল তাইকি আমি রোছু আমার সে জঙ্গলই আমাকে সাথ দেছি যে তাইকি আমি বঞ্চি পারছু বাকি তো এরিয়া মানুষ টাউন এরিয়া মানুষের জঙ্গল নাই বা সেটি বর্ষা নাই জঙ্গল নাই বলে কি সেটি কেতে লোক কষ্ট হচ্ছে বর্ষা নাই এটি আমার জঙ্গল তাইকি আমার কোণী আমি অসুবিধা পড়ু জঙ্গল তাইকি বর্ষা আমার তো এটি বারো মাস পানি নাই যেই সেই গোটে সিজন এই বর্ষা পানি কি আমার আশা করছু তেণুকরি আমি মত নেইছু ইয়ে বিটা মাটি এই জঙ্গল আমি ছাড়বু নাই আমি জীবন দেবু এটি রক্ত দেবু সিনা আমি ছাড়বার নাই বলি আমি মত নেই। জান দে দেঙ্গে খুন ভি দে দেঙ্গে লেকিন আপনি যে মা মাটি জমিন কো হাম ছোড়েঙ্গে নেই সরকার চাই জিতনে ভি জোর লাগা লে আগার ইনকো জমিন কে বদলে মে জ্যাসে জিন লোগো কে পাস জমিন হ্যায় আগার উস প্রকার জমিন দে তো হাম জো মাননে কে লিয়ে তৈয়ার হ্যায় ইয়ে কহনা হ্যায় জো মাটাপাকা গ্রাম পঞ্চায়েত কে অন্তর্গত জো জো ভারতীয় জনতা পার্টি কে জো বরিষ্ঠ নেতা আদিবাসী নেতা কেশা বঞ্জামি কে জুবানি তো ইয়ে হ্যায় ইনকে জো হ্যায় পুরে ग्राम पंचायत के अंतर्गत जितने गांव हैं इनके गांव के लोग इकट्ठे हुए थे, यहां बैठक भी किया था, जो मालकानगिरी जिला के वरिष्ठ आदिवासी नेताओं की तरफ से भी यहां बैठक की गई थी। इनका सबका एक ही मांग रहा कि माँ माटी जमीन जो है इनके बदले में जिनके पास जितने ज़मीन है उसके बदले में अगर सरकार या डालमिया कंपनी इनको उतनी ज़मीन प्रदान करे तो ये डालमिया कंपनी के शर्त मानने के लिए तैयार है, अन्यथा जहाँ पे डालमिया कंपनी के तरफ से जो जनसुनानी मतलब लोगों के जो राय जानने के लिए जगह बनाया गया था, स्टेज बनाया गया था, देखिए किस प्रकार कितने छोटी सी जगह के लिए इतने संख्या में इतनी बड़ी जो बैरिकेड लगाया गया आप देख सकते हैं, हमारे कैमरा पर जरा दिखाइएगा किस प्रकार जो बैरिकेड लगाया, बाहर से कोई व्यक्ति अंदर ना पहुंचे और बिना आइडेंटिटी कार्ड के किसी को अंदर आने नहीं दिया गया, कोई भी जो अंदर आया तो उसके जो आइडेंटिटी कार्ड के साथ साथ जो आधार कार्ड का भी ज़रूरत पड़ी है जो किसान आने के लिए उनको अनुमति दी गई। यहाँ देख सकते हैं किस प्रकार जो इतनी छोटी सी जगह में इतनी बड़ी जो जनसुनानी किया गया, जो कई तकरीबन 15-20 गांव के लोग यहाँ पे आए थे और उनके राय भी जानने की लिए यहाँ पे ये व्यवस्था की गई थी। कहते हम जो लोगों के जुबानी कई गाँव के जो आदिवासी लोग उनके जुबानी उन्होंने बताया कि हमारे जो है जंगल ज़मीन जो अगर जंगल जमीन के बदले में अगर डालमिया कंपनी के तरफ से हमें ज़मीन प्रदान की जाए और उससे पहले जो यहाँ के लोगों को जो प्रतिश्रुति इन्होंने दिए कि नौकरी देंगे कम जो डालमिया जो सीमेंट फैक्ट्री में नौकरी वगैरह देंगे अगर ये दे देते पहले ही तो इनकी तरफ से जो सीमेंट फैक्ट्री करने के लिए बाधा नहीं अनुमति प्रदान की जाएगी, वरना ये बिल्कुल जो फैक्ट्री तैयार करने यहाँ पे देने के लिए मना किया। तो अभी देखने को बाकी है कि इनके जो राय यहाँ पे जनसुनानी हुई थी आदिवासियों के जो राय ली गई है इनके जो
किस प्रकार राय ली है और कंपनी को किस प्रकार ये यहाँ पे तैयार करने देते हैं ये देखने को बाकी रहा। उड़ीसा मालकानगिरी जिला मोटापाका ग्राम पंचायत के जो हेडक्वार्टर से उड़ीसा है गोविंद मंडल की रिपोर्ट, आज तक 24 न्यूज। ताज़ा खबरों के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।